Good morning students, I am Ruby. Today I am going to teach you subject maths, class 5. Students, आज हमारा topic है patterns. Patterns को हम कैसे recognize करते हैं ये हम जानेंगे इस topic में. Okay? In a pattern of numbers, the number appears according to a rule. हमेशा क्या होता है pattern में, जैसे आप अपनी previous classes में कैसे सबसे पहले आपने skip counting रीड की थी, तो आप चेक करते थे कि कितने नंबर स्किप हैं आफ्टर वन नंबर, तो आपको पता चल जाता था कि टू नंबर स्किप किए गए, कि थ्री नंबर स्किप किए गए. इसी तरह पैटर्न्स में भी आपको रूल फॉलो करके रिकॉग्नाइज करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीरीज में. ओके, जैसे कि देखिए, देखिएगा एक पैटर्न जो कि आपको कैलेंडर्स में दिखाई देते हैं. कैलेंडर में कोई भी एक मंथ का कैलेंडर, जैसे कि
के इनका टोटल सेम होता है। 12 + 6 = 18, यहाँ देखिए 5 + 13 भी 18 होगा, दोनों के टोटल क्या होंगे, सेम होंगे। अब जो रूल इसमें आप फॉलो कर, जो रूल इसमें राइट करना है हमें या किस रूल पर ये बेस्ड है, तो वो रूल क्या है आपका, अब इसका देखिए फर्स्ट डेट हमारी क्या हो गई, 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5 + नीचे के नंबर्स इरेज कर दे रही हूं मैं, क्योंकि हमने वही स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर रूल हमारा जो होगा, जो सम हम देखिए डेट है 5 + यहाँ देखिए 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6, देन 16 है, सॉरी 12, तो 5 + 7, ओके, देन 13 है आपका, तो 5 + 8, इस तरह आपका जो रूल है या जो सम है वो राइट किया जाएगा। एंड जो इसका डेट ऑफ स्क्वायर है, जो सम है, उसको हम इस तरह लिखेंगे, सम 4 × आपकी जो डेट है, फर्स्ट डेट 5 है, अगर कोई भी हो सकती है, फर्स्ट डेट × 4, ओके, 4 × फर्स्ट डेट,
नाइन इंटू सेंटर रेट, तो सेंटर रेट हमारी है 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। इसी तरह कैलेंडर के जो भी समय आपको सॉल्व करने हैं पैटर्न से रिलेटेड, आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। इसी तरह के पैटर्न आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, इसमें आपको रूल्स भी राइट करने हैं। देखिए 1/4, 1/2, 3/4, 1। तो आपका जो रूल है यहाँ पर वो क्या है, प्रीवियस नंबर, आपका जो भी प्रीवियस नंबर है उसमें क्या कर रहे हैं हम 1/4 को प्लस कर रहे हैं। चेक कर लीजिए 1/4, ये आपका प्रीवियस नंबर फर्स्ट हमने मान लिया, प्लस 1/4, 1+1 = 4, 2 2 = 4, तो 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूल जो आप राइट करेंगे वो हो जाएगा प्रीवियस नंबर प्लस 1/4 इज द रूल जो कि आपका इस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। इसी तरह आपकी ए से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बी पर आ जाते हैं, देखिए 10, 19, 30, 43, then 50। अब यहां पर देखिए जो सीक्वेंस है उसमें क्या आपको इंक्रीज लग रहा है, कैसे नंबर इंक्रीज किया गया है इसमें। देखिए 10+9 = 13, देन 11 ऐड हुआ है इसमें 30, इसके बाद 13, 15 के बाद आप क्या करेंगे 17 को ऐड करेंगे। जो ऑड नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस किए जा रहे हैं। देखिए +9, 11, 13, 15, देन आप 17 ऐड करके इसका आंसर निकाल लेंगे। पैटर्न्स में आपको ये ध्यान रखना है और ये देखना है कि नंबर किस तरह कितने गैप से कितनी नंबर की स्किपिंग के बाद इंक्रीज हो रहा है, देन आपको ये रूल भी इसमें राइट कर देना है। इसी तरह पैटर्न से रिलेटेड आपके सारे सम्स सॉल्व होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।